नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे गार्डन में गुलाब खिलने लग गया है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने गुड़हल में लाल मिट्टी जो होती है उसका इस्तेमाल किया था, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल आ गए हैं सफेद रंग के। गुड़हल के फूल अब अच्छी तरह से खिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में कितना सुंदर फूल खिला है और इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा आ रही है। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये गुलाब। गर्मियों में हमें इसका कैसे ध्यान रखना चाहिए, चलिए आज इसके बारे में बात करती हूँ। अगर पॉट में लगा रखा है तो सबसे पहले इसको छायादार जगह पे रखें, जहां पर सुबह सुबह की धूप आती हो, दोपहर की धूप ना हो, क्योंकि उसमें खराब होने का डर रहता है। जमीन में लगा हुआ है तब तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर गमले में है तब हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस समय जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो गुलाब का जो प्लांट होता है उसमें एक नई प्रॉब्लम होती है, जाले लगना। जैसे कि यहाँ देखिए इसकी पत्तियां कीड़े जो होते हैं उसने खा रखी थी। आज मैं इसको हटाऊंगी। सुबह मैंने जब इसको चेक किया तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, ढेर सारे कीड़े लगे हुए थे और जाले भी थे। ये देखिए पत्तियां खराब हो रही हैं। तो मैंने इस पर नीम ऑयल का छिड़काव नहीं किया, क्योंकि नीम ऑयल का छिड़काव तब करते हैं जब प्रॉब्लम थोड़ी होती है। जब प्लांट पर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तब नीम ऑयल का नहीं, किसी केमिकल का यूज करना पड़ता है, खासकर गुलाब को बचाने के लिए। देखिये जगह जगह से इसकी पत्तियां खा रखी है, ये भी देखिए। तो आज मैं ये सारे हटा दूंगी, अब मेरा प्लांट बिल्कुल सही है। तो सुबह मैंने पानी में घोलकर इस पर एक दवाई का छिड़काव किया था, पूरा का पूरा प्लांट, सुबह 5 बजे, क्योंकि उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है, तो मैंने इसको पूरा का पूरा नहला दिया था। और अब इस पर कहीं भी जाले नहीं है और प्लांट पहले से काफी ठीक हो गया है। ये करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने जिस केमिकल दवाई का यूज किया वो ये है, सुपर किलर। ये मैं लेके आई थी क्योंकि कई बार क्या होता है, गुड़हल होता है उसके जो बड़ गिरती है तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम। गुड़हल का जो प्लांट होता है उसमें बड़ गिरने की प्रॉब्लम आती है। कई बार होता है कि अचानक हमारे गुड़हल के प्लांट की बड़ गिरने लगती है, तो उसमें भी मैंने इसी दवाई का यूज करती हूँ। पानी में घोलकर गमलों में डाल देती हूँ। देखिए गुड़हल बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं अभी। तो जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, तो हमें इस तरह इसका केमिकल का भी यूज करना पड़ता है, सुपर किलर। जितने भी इस पे कीड़े जो भी लगे हुए थे, जो गुलाब को नुकसान पहुंचा सकते थे, मैंने उससे सफाया कर दिया। अब मेरा प्लांट बिल्कुल ठीक है और जो भी पत्तियां बेकार हो गई अब मैं उनको आराम से हटा दूंगी। पत्तियों को हटाना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसे हो गई थी पत्तियां, और अगर मैं ये ना करती तो मेरा प्लांट खराब होने का डर रहता। सूखी पत्तियां भी हटा देनी चाहिए। और अब प्लांट की अच्छी तरह सफाई करने के बाद इसके अंदर जो घास लगी है उसको भी हटा देना चाहिए। हम डेली पानी देते हैं ना, या कोई भी खाद देते हैं, तो इसमें ये खरपतवार ही बोलते हैं, ये हटा देनी चाहिए, ये अच्छी नहीं होती प्लांट के लिए। मैं अभी इसको पूरी तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो ये मैंने अच्छी तरह क्लीन कर दी है और इसकी मैंने गुड़ाई भी कर दी है, ये करना बहुत जरूरी है। और अब मैं इसमें ये डालूंगी, ये मैं रोज मिक्सचर लेकर आई थी गुलाब के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। महीने में एक बार मैं इसका जरूर यूज करती हूँ। तो एक चम्मच इसका लेकर, इसमें सब कुछ होता है गुलाब के लिए, तो ये मैं लेकर आई थी। ये गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने एक चम्मच ले लिया। अगर गुलाब लगा रखे हैं तो रोज मिक्सर होना चाहिए। हम वैसे तो वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और भी कई खाद डालते हैं, बनाना पील या जो चाय की पत्ती है वो,
पर महीने में एक बार इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैं अच्छी तरह डाल दूंगी। ये मैं लेकर आई थी एक पैकेट, तो जितने भी मेरे पास गुलाब हैं, मैं सब में इसको डाल देती हूँ महीने में एक बार। अब मेरा प्लांट बिल्कुल सही है, इस पर सुबह मैंने दवाई का छिड़काव किया था और अब मैंने खाद डाल दी है और शाम को मैं पानी भी दे दूंगी। तो इस तरह अगर हम अपने गुलाब का ध्यान रखेंगे तो वो अच्छी तरह हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गर्मियों में बचाना है तो उसको छायादार जगह पे रख दीजिए। यहाँ पर भी गुलाब का पौधा है जो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, देखिए बिल्कुल हरा है और इस पे कोई कीड़ा नहीं है। मैं डेली चेक करती हूँ, लेकिन जरा सा अगर रह जाता है ना तो कोई ना कोई कीड़ा फिर अटैक कर देता है। और न्यू बर्ड भी आ रही है। इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं, ऑरेंज कलर के, और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और मैंने इसमें भी इसी खाद का इस्तेमाल किया था, देखिए कितने छोटे छोटे जो बीज डले होंगे उसी से ढेर सारे प्लांट बने हुए हैं। अब जैसे ये बड़े होंगे मैं इनको निकाल दूंगी, और यहाँ पर ये छोटे वाले। तो दोस्तों अगर हम अपने गुलाब का ध्यान रखेंगे तो वो गर्मियों में अच्छी तरह चल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो देखना जरूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।